हेलो दोस्तों, पेट की चर्बी और मोटापे से बहुत लोग परेशान हैं और आप भी अगर परेशान रहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसके बाद आपको आगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा ट्रीटमेंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाल बटन दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें और हमारा कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप फ्लैक्स सीड लें। फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज लें और उनको लेकर के कढ़ाई में लें और उनको लेकर के भून लें। दोस्तों, अलसी के बीज जनरल स्टोर पर आराम से मिल सकते हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं। इसके बाद इन्हें एक कढ़ाई में डालें और गैस पर रखकर इन्हें गर्म कर लें, इन्हें भून लें। भून लेने के बाद दोस्तों गैस को बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने के लिए रख लें। दोस्तों, अलसी के बीज बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो कि हमारी हेल्थी रहने के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हमारे जो एक्स्ट्रा फैट रहता है, हमारे पेट पर जो चर्बी रहती है उसको घटाने में, उसको पिघलाने में, उसको डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों, आपको ले लेना है जीरा। जीरा जो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं, दोस्तों आपको जीरा लेना है। और जो हमने फ्लैक्स सीड अलसी के बीज जो भुने हुए बीज थे उसमें अगर 3 चम्मच अलसी के बीज लेते हैं तो 2 चम्मच जीरा मिला लेना है। दोस्तों, जीरा भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ये हमारे फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाता है। दोस्तों, अब हमें तीसरी चीज़ लेनी है अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दोस्तों, अजवाइन लेने से भी हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो घटता ही है, साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है जो कि हमारे पेट पर चर्बी के रूप में जमा हो जाता है उसको घोलने में, उसको गलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, अब हमें 2 चम्मच अजवाइन इस मिक्सचर में मिला लेनी है। अब इस मिक्सचर को ग्राइंडर में जाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इतना बारीक कि ये चूरन का शेप ले ले, एक चूरन की तरह पिस जाए। दोस्तों, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया जो कि हमारी चर्बी घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ कि इस चूरन को आपको लेना कैसे है। तो दोस्तों, इस चूरन को आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है, ठंडे पानी या सादा पानी के साथ ना लें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ये चूरन ले रहे हैं अपनी चर्बी घटाने के लिए तो गुनगुना पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जो गुनगुना पानी होता है वो भी फैट को घटाने में, डिसॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस चूरन को कब लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह खाली पेट। आप जब तक आपने नाश्ता नहीं किया होता है उससे पहले खाली पेट इस चूरन में से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। बाकी आप जो दिन में पानी पियेंगे वो भी आपको गुनगुना ही पीना है और कोशिश करें कि पानी की मात्रा ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे कि आपकी जो फैट है, जो हमारी बॉडी में चर्बी जमा हुई थी, वो जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो सके। तो दोस्तों, अगर आप ये चूरन लेना शुरू करते हैं 10 दिन में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेंगे और आपको असर दिखने लगेगा कि 10 दिन में आपकी जो फैट है वो कम होने लगी है। जिन लोगों को अगर रिज़ल्ट और जल्दी चाहिए या फास्ट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो वो इस चूरन को 2 बार भी ले सकते हैं, एक बार रात को खाने से पहले भी आप ये चूरन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें लेना 1 चम्मच ही है। तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान सा चूरन जो कि आपका फैट डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।